कोरोना वायरस की कहर से जहां पूरी दुनिया डर में है, वहीं सामाजिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेम्बरान ऐसे माहौल में भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने में नहीं हिचकिचा रहे हैं। नीमच जिले के मनासा में ही मुस्लिम युवा संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यगण लगातार 3 दिन से घर घर जाकर हाथों से बने मास्क, डेटोल साबुन व हैंड माइल सैनिटाइजर लोगों तक निःशुल्क बांट रहे हैं। PFI के सदस्य कोरोना वायरस से बचाव व सोशल डिस्टेंस की समझाइश भी लगातार दे रहे हैं। PFI के जिला कन्वीनर आशीष रंगरेज ने बताया कि हमने जिले भर के लिए टीम बनाई है, जिसमें जो दिहाड़ी मजदूर या किसी तरह से मजदूर व्यक्ति अगर राशन नहीं जुटा पा रहे हैं तो हम ऐसे परिवारों को चिन्हित कर रहे हैं। 2 सप्ताह का राशन भी मुहैया करवा रहे हैं, जिसमें उन्हें आटा, 3 प्रकार की दाल, तेल, चाय पत्ती, शक्कर व जरूरी मसाले इत्यादि दे रहे हैं। PFI के सदस्यों के द्वारा पुलिस जवानों के साथ साथ नगर पंचायत कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों व अन्य विभाग में भी मास्क वितरित किए गए हैं। ऑफ इंडिया एक सामाजिक संगठन है जो लोगों के बीच में जाकर और लोगों की मुसीबतों को समझकर उसका हल तलाशने की हम लोग कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रामपुरा के अंदर भी हम लोगों ने जब देखा वहाँ पर बाढ़ से ग्रसित लोग, उनकी मदद के लिए रात को 2 बजे भी हमारे कैडर्स वहाँ पर उतरे और उनकी जानों को बचाया और उनकी जो कमी थी खाने पीने की, राशन की, वो सारी चीज़ हम लोगों ने मुहैया करवाई वहाँ पर। और ये काम जो है समाज का काम, जितना भी है सामाजिक काम हम लोग करते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे कि अभी 1 दिन का जब कर्फ्यू लगाया था उसके बाद में जो है उसको बढ़ाकर और 21 दिन का कर दिया, तो हम लोगों ने सोचा कि जो दिहाड़ी मजदूर है जो रोज़ कमा के और लाते हैं, उनके परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है, तो हम लोग जो है उनको लेकर एक किट बनाया है। बहुत उसके अंदर आटा, दाल वगैरह ये जितने भी खाने के राशन हैं वो सारे देकर और हमारे SDM साहब से हम लोगों ने इजाज़त ली है और उसके तहत हम लोग उनके घर तक पहुंचकर और उनकी ये सेवाएं कर रहे हैं। उसके अलावा भी जैसे ये मास्क देना है आवाम को, आम आदमी को, मास्क भी मुहैया करा रहे हैं और घर घर जाके सैनिटाइज़र और ये डिटॉल साबुन हाथ धोने के लिए, और इस कोरोना वायरस के कितनी बड़ी महामारी है ये, इसके लिए हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं और हमारे जो कैडर्स हैं उनको जा कर समझा रहे हैं कि ये कोरोना वायरस कितनी बड़ी महामारी फैल चुकी है, इसको हम लोग ये चेन तोड़ेंगे तभी हमको हल मिल सकता है, इसका और कोई हल नहीं है। नीमच जिले के मनासा से बद्रीलाल गुज्जर की रिपोर्ट।